रुक करते हैं प्रदेश की गतिविधियों की ओर। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसके चलते इस तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना भी शुरू हो गई है। भीड़ के दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसके चलते इस तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। भीड़ के दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। आपको बता दें कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में ये गर्मी का सीजन लगभग 3 महीने तक चलेगा। आगामी 3 महीने तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा स्टेशन पर लगा रहेगा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। छुट्टी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो मेला लगा हुआ हो। ऊंचे जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। मंदिर प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप में रोका जाता है और फिर उन्हें मंदिर भेजा जाता है। मंदिर में श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता जी के दर्शन करवाए जाते हैं। गर्मियों का सीजन है, यात्रियों को बहुत अच्छे दर्शन करा रहे हैं। रश बहुत ज्यादा है, फिर भी यात्री को बड़े आराम से खुले दर्शन हो रहे हैं और आराम से जय माता दी बोलते हुए जा रहे हैं। जय माता दी। मेरा नाम गुरबख्श सिंह है और आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जय माता।